क्या बात है, वाह 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 वाह। आज बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है और सुखद अनुभव होने के पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो है स्वयं सुखद। जी हाँ, मैं सुखद माणिक मुंडे जी की बात कर रहा हूं। वैसे युवक हैं जो विश्व में पखावज पर एक नई शैली, एक द्रुतगामी शैली लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उनको सुनने के बाद लगता है कि पखावज गंभीर वाद्य ही नहीं है। तो वो क्या है, कैसा है, आज सुखद जी से मिलकर के बात करेंगे। सुखद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत आनंद हो रहा है मुझे ई मंच के मंच पर आकर। बहुत ही बेहतरीन आपने जो ये कार्य शुरू किया है हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत और कलाओं को, आपने आप जो विश्व स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा ही बेहतरीन कार्य है और इसके लिए हमेशा ही हमारे पिताजी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और आपका एक भी शो नहीं छोड़ा है उन्होंने। हर शो वो देखते हैं और मुझे भी रिकमेंड करते हैं, मुझे भी वो शेयर करते हैं लिंक। जी जी, और मुझे जी, बड़ी जी, बड़ी जी, प्रसन्नता होती है कि इतना बढ़िया काम आप कर रहे हैं। बहुत मतलब आपके आशीर्वाद से हम, मतलब हम भी थोड़ा बहुत जो कार्य कर रहे हैं वो आप ही के समक्ष आज रखने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। आप जैसा युवा जिन्होंने पखावज को एक नए ढंग से जो प्रस्तुत किया है, आने वाले भविष्य में उसका स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। तो एक मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके पहले कि हम आपसे बात का सिलसिला शुरू करें, कुछ अपने बारे में बताएं सुखद आप। यह सबसे कठिन प्रश्न यही है आपका। अब अपने बारे में क्या बताएं, मतलब मैं अपने माता पिता के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि जो भी मैं आज हूँ वो उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ, उन्हीं का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी उन्होंने किया मैं मुझ पर, और जो भी जितना भी सक्सेसफुल है वो आपके समक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन से मुझे, मतलब खैर स्कूल वूल तो बस खैर होता ही है जैसा होता है हर घर में, लेकिन पखावज के अभ्यास और पखावज के चिंतन मनन के लिए उन दोनों ने, मेरे मम्मी और पापा दोनों ने जितना मुझे समझ लीजिए, मतलब सिर्फ ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि फोर्स भी उतना ही किया। और मतलब और कहीं इधर उधर खेलने जाना, मैं भी और नॉर्मल बच्चों की तरह ही हुआ करता था,
ये हाँ अपना हाँ जैसे कोई घर में सोया है, पता चला कि दरवाजा खोल के अपना सटक लो बाहर, इतना हाँ इतना तंग करने के बावजूद उन्होंने बहुत संयम हाँ से वो जैसे क्या कहें आप, बड़े नालायक बच्चे को संभाला और आज इस लायक बनाया कि आप ई मंच पे मैं आपने मुझे निमंत्रित किया, इस लायक उन्होंने मैं बनाया है। प्रणाम करता हूं ऐसे माता पिता को जिन्होंने अपने पुत्र को इस मुकाम पर पहुंचाया। मुझे ये बताएं कि पखावज को गंभीर वाद्य माना जाता था, और अब तक आपको सुनने के पहले मैं स्वयं उसको बड़ा जी गंभीर वाद्य मानता था, लेकिन जब जी आपको सुनने के बाद लगा कि भाई क्या बात है, कैसे ये हुआ, कैसे इसको आपने आपके दिमाग में ये बात आई, किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट करने का सोचा, वो थोड़ा सा बताओ, वो बड़ा रोमांचक रहेगा हम सबके लिए। जी जी सबसे पहले तो मैं एक बात को जरूर क्लियर करूंगा यहाँ कि जी जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी प्रतिपादन कर रहा हूँ, जबाँ मेरी है लेकिन हाँ अक्षर या शब्द का चयन जो है वो हमारे पिताजी का है। मतलब क्या दिख बात मैं है, रहा हूँ, आवाज उनकी है, हाँ, वाह वाह इतना ही वाह फर्क है। वाह, जो जो भी कहूंगा मैं, वो उन्होंने हाँ जो सिखाया, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो जो भी मतलब अभी तक की ट्रेनिंग है मेरी रही है इतने हाँ सालों हाँ की, तो वो बस हाँ हाँ उन्हीं हाँ का मैं चीज जो है आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बस आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग पंडित माणिक मुंडे टुडे। क्या बात है, तो पखावज को वैसे तो हमारे आजकल पिछले कई सालों से मैं देखा देखता आ रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ कि एक रुद्रवाद दिया है इस तरीके से इसको देखा जाता है। तांडव के लिए केवल ज्यादातर बिल्कुल, इसको जो है प्रचलन में है ये वाद्य। लेकिन क्या है, संगीत जो होता है ना वो नवरस होना चाहिए उसमें। मतलब तो बोलते बिल्कुल, हैं ना, नवरस अगर नहीं है संगीत में, अगर रस रसोत्पत्ति नहीं होती तो वो संगीत ही नहीं होता। और हाँ पखावज तो बिल्कुल संगीत का मूल आधार है, बिल्कुल, मृदंग तो क्योंकि महादेव ने बनाया हुआ वाद्य, गणेश जी ने बजाया हुआ वाद्य, स्वामी विवेकानंद ने जिस वाद्य की सेवा की, ऐसा ये अरे वाद्य क्या बात, अर्जुन ने बजाया हुआ वाद्य है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी ऐसी इसकी ऐसा इसका इतिहास है, 5-5 हज़ार साल का इतिहास है इस वाद्य का। तो अगर सिर्फ एक ही रस इसमें होता तो मेरे ख्याल से 5 हज़ार साल नहीं जीता है। सही बात है, और जैसे अभी रौद्र की अगर बात करें तो डायनासोर जितना तो रौद्र कोई नहीं था इस धरती पर, धरातल पर लेकिन उसने सिर्फ रौद्र रूप ही धारण करके रखा, इसलिए आज खत्म हो गया। डायनासोर जितना इतना बड़ा प्राणी। बिल्कुल बिल्कुल, तबला जो है वो भी काफी समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जाकिर हुसैन साहब के बाद तबला का जो एक स्वरूप सामने आया वो बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। तो इसी तरह पखावज में जब आपको सुनते हैं तो वही बात आती है कि बिल्कुल चमत्कृत कर देने वाला, बिल्कुल, मतलब इस तरह से अभी जो हम टीजर देख रहे थे आपका, वो कैसा क्या है, उस टीजर के बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या है वो जो जी बोल वो अभी आप। एक एक्चुअली एक जी हाँ जी, एक कॉन्सर्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट में होता है, बहुत हाँ हाँ बड़ा शो होता है। वो डीजे वगैरह आते हैं, रैपर्स आते हैं वहाँ पे, मतलब ज्यादातर अंग्रेजी म्यूजिक वहाँ चलता है, इंग्लिश हाँ म्यूजिक हाँ होता है ना, सब सब होता है, रॉक शोज होते हैं वो सब। तो हाँ हाँ उस हाँ फेस्टिवल में मुझे भी इन्वाइट किया गया था संगत के लिए, हाँ 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 लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग स्टेज पर गए हाँ तो अचानक से जो है सामने से वोटिंग होने लगी थोड़ी सी हल्की सी, अच्छा, हाँ तो हाँ कुछ हाँ लोगों हाँ को जो है ना वो, हाँ हाँ वो क्योंकि यंगस्टर्स रैप म्यूजिक चल रहा है, यंगस्टर्स, इंग्लिश म्यूजिक हाँ चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मतलब ये धोती कुर्ता पहन के कौन आ गया स्टेज पे, तो ये हाँ, तो उस वजह से थोड़ी सी जो है इनसिक्योरिटी हमारे मन में भी थी कि कहाँ बुला लिया यार ये ऐसा। लेकिन जैसे ही स्टेज पर पहुंचे मैंने कहा अब स्टेज तो अब वो वीडियो में आप देख ही रहे हैं, पीछे पूरा खुला है, पूरा मैदान बिल्कुल है एकदम, और ऐसा बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल, बिल्कुल हिमालय में आए, हिमालय की तरह मुझे हाँ वो नजारा लग रहा था, हिमालय से ज्यादा दूर भी नहीं खैर। हाँ हाँ तो मैंने कहा बस महादेव अब आप ही बचा दो, हाँ हाँ क्या बात है, तो और महादेव जी ने बोला सैकड़ों कि की बोले तादाद में, नहीं जी 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 हजारों की जी तादाद में वहां युवा हैं,
यंगस्टर्स जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे आवाज यंगस्टर्स से पहचान सकते जो, हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसे यंगस्टर्स जो वेस्टर्न म्यूजिक को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उसमें आपने सुनाया एक बार वो जी बोल, हाँ, सुनाइए एक बार क्या सुनाया था। बस बुद्धि के देवता जो है भगवान श्री गणेश, तो श्री गणेश जी जी का स्तवन है, वो स्तुति परण है, तो हाँ, वही स्तुति परण जो बनारस में काफी प्रचलित है, पिताजी ने बहुत प्यार से सिखाई है, तो वो स्तुति परण जो है क्या बात, वो गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है। अभी इसका इसका एक्चुअली देखिए कितना खूबसूरत लीरिक्स है, गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है, मतलब गणेश जी के इतने नाम है, गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर, कितने शोभायमान नाम है, सोहे, सो है हाँ हाँ गणा बिल्कुल, नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है, भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राज, चार भुजाधारी है, चार एक दंत चंद्रमा ललाट राज है, उनके ललाट पर जो है उनके पिताजी का पिताश्री का जो चंद्रमा है वो उनके ललाट पर विराजमान है, अब ललाट राज क्या है, बात, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दें ध्रुपद गावे, ताल देते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ध्रुपद गा रहे हैं, और अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, तो उनके साथ संगत पर अब हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो संगत करेगा वो भी तो मतलब गणेश जी हो सकते हैं, और किसी की तो हिम्मत नहीं क्या होगी बात उनकी है, संगत करने की, तो बिल्कुल 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 गणेश जी ने उनकी बिल्कुल, संगत की, तो अब कैसी संगत हाँ की, हाँ हाँ अति विचित्र गणनाथ अति विचित्र बजा रहे हैं वो मृदंग, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, अब क्या बजाया था, धट धरान धर धर क्रधान दिन, अब वो विचित्र शब्द है एकदम, तो आड़े क्या तिरछे हैं ना, तो बात मैंने है, कहा तो इसलिए वहां हाँ वो चू मैंने जो है पता नहीं कहाँ से आ गया वही मेरे मुझे लगा कि यही यहाँ पे विचित्र लोगों के बीच में विचित्र पखावत जो है ना शब्द वही प्रेजेंट करना चाहिए, तो बड़ा अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, धड़ धरान धर धर कृदान दिन 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 ताके नाना तद्रिग न द्रग द्रग दिना के दिना के ओम कृतिक धरान तरान धा कृतिक धरान तरान धा कृतिक धरान तरान धा गणनाथ आज मृदंग बजावे, धर धरान धर धर कृदान दिन 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 ताके नाना तद्रिग न द्रग दिना के दिना के ओम कृतिक धरान तरान धा कृतिक धरान तरान धा कृतिक धरान तरान धा गणनाथ आज मृदंग बजावे, धर धरान धर धर कृदान दिन 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 ताके नाना तद्रिग न द्रग दिना के दिना के ओम कृतिक धरान तरान धा वाह कृतिक धरान तरान धा कृतिक धरान तरान धा। क्या बात है, मतलब ऐसा लगा कि अचानक पता ही नहीं है और एक सैलाब आ रहा है, उस सैलाब को आपने यूं करके रोका और बताया कि सैलाब केवल पश्चिम में नहीं है, पूरब में भी है, और ऐसे वाद्य को लेकर के आपने बताया जिसको गंभीर वाद्य कहा जाता है। मैं इसके रियाज के बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरह से इसका रियाज जो है, ये तो वास्तव में एक कहना चाहिए, जैसे गायन में ध्रुपद और वादन में पखावज, ये दोनों का जवाब नहीं है संगीत में। इनकी जो आवाज है, जी जो नाद है, जी जो गुंजन वो तो जी मतलब ऐसा है कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या उस नाद को हम क्या कहें। जब हम पखावज सुनते हैं या ध्रुपद सुनते हैं तो संस्कृत में कहा जाता है कि चैतन्यम सर्वभूतानाम विवृतम जगदात्मनाम नाद ब्रह्म तदानंदम द्वितीयम उपासमा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रथम उपासमा है कहना चाहिए, वाह जब पखावज जब मैंने आपको सुना वही, और जब हम ध्रुपद सुनते हैं तो लगता है कि जी ये सिंह सिंह जैसा गर्जन करता है, सिंह का जैसे सिंह चलता है, जी सिंह की जो साइकोलॉजी है वो पखावज और ध्रुपद की जी साइकोलॉजी है, वो पखावज की ध्रुपद की साइकोलॉजी है, और उसको कैसे आपने किस ढंग से तैयार किया, क्या किया, इसका रियाज कैसा करते हैं, किस ढंग से करते हैं, थोड़ा सा बताएं। जी अब इस सवाल का तो बहुत आदत पड़ चुकी है इस सवाल की, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि कैसे रियाज किया जाता है पखावज का, और आपके माध्यम से भी कई लोग ये जरूर जानना चाहेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है आती है यहाँ पर कि सबसे पहली बात तो मैं खुद बहुत ज्यादा बचपन से रियाज करने के इंटरेस्ट में था नहीं, ये तो हमारे माता पिता के उपकार हैं कि उन्होंने रियाज करवाया मुझसे, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया हूँ पूरी तरह से और बस निकलना है, और उतने में अचानक अच्छा पिताजी को प्रणाम करने के लिए जाता था तो पिताजी बोलते थे कहाँ जा रहे हो, स्कूल क्या जरूरत है यार स्कूल जाने की, बैठो यहाँ रियाज करो, तो क्योंकि वो बहुत दो दो तीन तीन महीने तक घर के बाहर रहते थे कार्यक्रम
दौरे पर रहते थे, टूर चलते थे उनके, तो उस तब फिर थोड़ा समय जब वो घर पे हैं तो बोले अभी क्या जरूरत है, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तुम्हारे स्कूल यहीं पे तो है, यही तुम्हारा स्कूल है, यही तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, यही कॉलेज है, तो वहीं पर फिर बिठा लेते थे। तो इस हिसाब से उन्होंने काफी रियाज करवाया। अभी एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो अमेरिका के टूर पर जा रहे थे लगभग 4 महीने के लिए, और जाने से पहले एयरपोर्ट पर खड़े खड़े उन्होंने मुझे मतलब हमको बाय करने के लिए गए थे, टाटा बाय बाय करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए। तो मुंबई एयरपोर्ट की बात है, तब हम नवी मुंबई में रहते थे, तो मुंबई एयरपोर्ट पे हम उनको सी ऑफ करने के लिए गए, तो उन्होंने मेरी पीठ पर बजा के बताया, है ना, एक शब्द सिखाया, है ना, क्या वो क्या त की ट त काई की ट, बस इतना ही अक्षर मेरे उनके उन्होंने मेरे पीठ पर बजाया, त की ट त काई की ट। और उन्होंने कहा कि ये जो है ना, इसको मैं वापस आने तक, टूर से वापस आने तक इसको बजाते रहना, त की ट त काई की ट। तो और ये पूरी जिम्मेदारी जो थी वो हमारी माता जी की, तो मम्मी ने हमारी बहुत मेहनत से बहुत रियाज करवाया, वो मतलब टेलरिंग बहुत अच्छी करती है, लेडीज डिजाइनर है, क्या बोलते हैं, ड्रेस डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, तो वो क्या करती थी कि अपना उनका स्टिचिंग वगैरह चलता था, डिजाइनिंग चलता था, फिर गा के लहरा गाती थी, मतलब गा के मुझे पढ़ाती थी, सिखाती थी, तो लहरा गाती थी मेरे लिए, चौताल का हो, तीन ताल का हो, आदि ताल का जिसको कहते हैं, तीवरा का हो, झपताल का हो, तो वो लहरा गाती थी, और फिर उनके गायन के साथ साथ फिर मैं शब्द का रियाज करता था। तो 4 महीने तक केवल तकी ट तक आई की ट, इसी को केवल मांझा है। बहुत से जो स्टूडेंट्स मेरे पास भी सीखने आते हैं, पूछते हैं पहले तो कि ये क्या हो जाएगा, क्या मतलब मैं 1 साल 2 साल में तो हो जाएगा कि मेरा सीखना, तो मैं कई लोगों को यही बताता हूँ कि मैं आज 31-32 साल से सीख रहा हूँ और अभी तक मेरी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या मेरा हो गया या और भी चल रहा है, कब तक हो जाएगा मेरा, ये पूछने की मेरी आज तक हिम्मत नहीं है। तो बस तो समझने वाले समझ जाते हैं, समझदार को इशारा काफी है कि चार चार क्योंकि महीने ये, तक केवल एक ही अक्षर का रियाज, तकी ट हाँ तक आई की ट। तो आज की डेट बिल्कुल में तकी ट तक आई की ट इतना मतलब 4 महीने तो सिर्फ दिन रात 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे समय का तो पूछना ही नहीं था कि मतलब कितने कितनी देर बजा रहा हूँ, क्या हो रहा है, चल ही रहा है, एक एक दिन में समझ क्या लीजिए बात, आप 15 लाख 2 लाख बार 3 लाख बार एक एक दिन में बजा लेना, हाँ हाँ और ऐसा हाँ 4 महीने तक ये सिलसिला चला। और वापस आने के बाद उन्होंने से पूछा, भाई बताओ सुना क्या किया, तो फिर सुनाया तो बड़े प्रसन्न हुए पिताजी। तो फिर ऐसा ही, फिर वो हमेशा मुझे एक एक, कभी कभी तो अमेरिका से फिर फैक्स करते थे, उस समय ईमेल वगैरह कुछ होता नहीं था, तो फैक्स करते थे वो, फिर हाँ फैक्स मशीन, फैक्स लेने के लिए फिर हम मम्मी के साथ हम मतलब रिक्शा से हम जाते थे फिर ओल्ड पनवेल, फिर वहां से वो हाँ फैक्स प्रिंट आउट लेके, फिर वो बहुत महंगा पड़ता था, तो एक एक अक्षर हाँ वो एक एक बिल्कुल, पेज को लिख के भेजते थे कि अभी ये बजाओ वो बजाओ। तो वाह ऐसा बहुत ऐसी तालीम मेरी रही है, और दिन रात चलता था, समय का कुछ ठिकाना नहीं था, रात को 2 बजे अगर पिताजी आ रहे हैं कहीं लोकल में प्रोग्राम करके, उनकी ट्रेन आ रही है या फ्लाइट आ रही है लेट, या मुंबई में अगर लोकल में प्रोग्राम है, पूना में प्रोग्राम है, तो बाय कार अगर गए हैं, तो अगर लेट 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 आते थे कभी 12, 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे सुबह आ, कभी भी, तो जब भी आए, बस उनका तो ये रहता था कि सुखद सोया हुआ है, और मुझे सिर्फ ऐसे उंगली लगा देते, केवल टच करते थे कहीं पे भी, तो सिर्फ ऐसे टच, जैसे ही टच किया मैं ऑटोमेटिकली उठ के खड़ा बैठ जाता था, बैठता था, फिर आंखें खुलती थी, तो एक प्रकार से बटन था वो, जैसे ऑन कर देते थे फिर मैं ऑन हो जाता था, और फिर तालीम शुरू हो जाती थी, फिर समय का ठिकाना नहीं, कितने बज रहे हैं पता नहीं। और ये खैरागढ़ से बात चल देखिए रही है, हाँ खैरागढ़ में बिल्कुल, तो मैं आता हूं, मैं खैरागढ़ में आऊंगा, लेकिन अभी जो रियाज की बात मैंने आपसे पूछी, तो आपसे पूछने का अर्थ ये है कि आपका जो रियाज है, अभी ये पता चल रहा है कि दरअसल रियाज क्या होता है। रियाज के बारे में आपने बताया कि किस तरह पिता जो है वो करते हैं, माता पिता का कितना महत्व होता है। तो जिसने माता पिता के महत्व बिल्कुल को समझ लिया, वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं हट सकता, वो आगे ही बिल्कुल सही, बढ़ेगा। और एकदम सही यही बात है, भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य मानने का हमारे जो शास्त्र है, हमारे वांग्मय है, इसलिए है कि चूंकि वो माता पिता को मानते थे, और माता पिता को मानने वाला ही प्रथम पूज्य होता है, सबसे आगे रहता है और कुछ नया करता है। आप कुछ नया कर रहे हैं, देखिए बातों का सिलसिला ऐसा है, चल रहा है कि ऐसा लग रहा है हम पखावत सुन रहे हैं, जबकि हम पखावत सुन नहीं रहे हैं,
अब पखावज सुनेंगे, थोड़ा सा पखावज में कुछ बताएं आप। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी पखावज दिख हाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, ना ना भी दिखे तब भी चलेगा, उसकी नाद जो है। जी अरे क्या बात, जी हाँ वाह वाह वाह, बिल्कुल जी। थोड़ा लहरा लगा देता हूँ, नगमा लगाता हूँ हाँ हाँ ताकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आनंद आए। अरे हाँ जी शंकर गिड़ गिड़ात गिड़ गिड़ात गणपति लंबोदर मुख मंगल भजत क्या कहत बात, हर 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 त्राह त्राह शरणांगत धनकत मृदंग बादे तेटे नादे तेटे बम बम हर हर धड़कत चमकत चंद्र बदन धक धक शिव शिव गंगा धर हर शंकर कृदान धा शिव शिव गंगा धर हर शंकर कृदान धा शिव शिव गंगा धर हर शंकर कृदान जय शिव शंकर गिड़ क्या बात, गिड़ात गिड़ गिड़ात गणपति लंबोदर मुख मंगल भजत कहत हर 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 त्राहि त्राहि शरणांगत धनकत मृदंग बादे तेटे नादे तेटे बम बम हर हर धड़कत चमकत चंद्र बदन धक धक शिव शिव गंगाधर हर शंकर कृदान धा शिव शिव गंगाधर हर शंकर कृदान धा शिव शिव गंगाधर हर शंकर कृदान भव बंधु धर नग रे ताग 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 गिन 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 ना नचत तक तर 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 ता तर तर भव जड़ ता तर ता नग जड़ तर ता गिन 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 कदा गिन कदा शिव शिव शशिधर पंडितर गिड़ तक था दल दल घन नग टक डमरु भावने भावन तक कान धमट दल धिनात तिरण नग टक कान धमट दल धिनात तिरण नग टक कान धमट दल धिनात तिरण नग वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत खूब अद्भुत अदिति अनूठा। और यह जो नाद है ये अनहद को सामने लाने वाला नाद है पखावज का, कि जो अनहद है
जिसको थाप से या ठोकर से नहीं सुना जा सकता, लेकिन पखावज इसलिए वो आदि वाद्य है, उसको राज वाद्य कहा जाता है पखावज को, तो अनहद को भी अनुभूत किया जा सकता है पखावज के माध्यम से। वो है पखावज की विशेषता, और उस विशेषता को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें अभी आपने और क्या सोचा है, क्या इसका एक स्वरूप देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? फिर मैं आगे इसके तकनीक पक्षों के बारे में, कुछ वैज्ञानिक पक्षों के बारे में सवाल करूं। जी, बस यह एक सिंपल सा एक विचार है हमारा कि जी जब बंदूकों का डर ज्यादा सताने लगता है ना, हम विश्व युद्ध के बहुत करीब आ चुके हैं फिर से एक बार, बिल्कुल कि बिल्कुल। दुनिया ने 2 बार विश्व युद्ध देखा है, और इसके पहले भी हम अगर कहें तो महाभारत का युद्ध विश्व युद्ध ही था, तो बिल्कुल। बड़े बड़े युद्ध देखे इस धरती ने, तो विश्व युद्ध हम टाल तो नहीं सकते लेकिन बिल्कुल। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर कर सकते हैं और दूर ले जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय जो है हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और जो तो आपने हम विश्व गुणी युद्ध की लोगों बात की की, खोज में हैं, गुणी लोगों की हाँ संख्या बढ़ाने के। बिल्कुल, जी जी मैं वही कह रहा जी था कि यह जो युद्ध है इसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये अवश्यंभावी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस ऐसे परिवेश में जो भीतर एक बुद्ध पैदा कर सकता है वो है संगीत। केवल संगीत से ही वो बिल्कुल बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में ई मंच ने सोचा कि हम संगीतकारों को लेकर के बात करेंगे, और तब से हम लोगों ने ये प्रारंभ किया ई मंच का ये जो सिलसिला है। जी क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे संगीतकारों से बात की है, वो बताते हैं कि साहब जब हम लोग संघर्ष के दिनों में कुछ खा नहीं पाते थे, मुश्किल से आधे टाइम का कुछ मिल जाता था खाते थे, लेकिन हम रियाज करते रहते थे। आज तो ऐसा है, आज उस पल को उस दिन को सोचते हैं तो ऐसा लगता था कि हम लोग दरअसल 56 भोग खाते थे। आपकी गहराई को मैं बड़ा नमन करूंगा। आप क्या कहते हैं कि आज जो पाश्चात्य संगीत की तरफ जो आज की युवा पीढ़ी गुमराह है, वो किस तरह से इस तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत को महसूस कर सकती है, थोड़ा सा बताएं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, विश्व शांति उपाय संगीत दिल में जगाए। तो वाह, संगीत को आप हर दिल में जगाते रहिए, विश्व शांति हो जाएगी। और अभी आपने पाश्चात्य संगीत के बारे में कहा, देखिए जी संगीत तो संगीत है, बिल्कुल पाश्चात्य हो बिल्कुल। देसी संगीत हो, सब नहीं 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 हर हर एकदम प्रकार एकदम के सही संगीत बोल रहे में हैं, बिल्कुल सारेगम पद निसा है, फिर सरगम वही है, ताल वही है, बस हम लोग जो आर्ड लय बोलते हैं उसको 3/4 बोला जाता है पाश्चात्य संगीत में, कुआर्ड लय बियाड लय जो है जी। उसको मैं फाइव उस एट बोला जाता है, बाजारवाद सेवन की एट बोला बात कर जाता है। रहा हूं, मैं दरअसल जी, मैं आ सुखद रहा हूँ उस उस पर। जी बाजारवाद जी की बात बिल्कुल कर रहा हूं जी जिससे सर आज युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करके, चरित्रहीन करके, और उनको जी मतलब एक नशे की तरह परोसा जा रहा है, मैं उसके बारे में बात कर जी रहा जी हूं। जी जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं जी ये जी पहले बता रहा हूँ कि संगीत तो एक ही है, लेकिन उसके जी प्रेजेंटेशन की वजह से आज जो समाज में हम जो 2 प्रकार के वर्ग देख रहे हैं, इसीलिए हमारे वर्ग को क्लासिकल बोला जाता है, एक अलग वर्ग है, और जी जी पाश्चात्य संगीत का वर्ग तो हम सभी जानते ही हैं। तो हाँ एक्चुअली पाश्चात्य संगीत भी आप देखिए, वहां पे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक अगर आप सुनेंगे ना, तो वो बिल्कुल अपने को लगेगा कि मतलब क्या बात है, क्या सोच है उसमें, बिल्कुल हर एक बिल्कुल फीलिंग एकदम के बिल्कुल ऊपर काम किया गया है। क्वायर आप सुनिए उनके, है ना, वहां पे हाँ अलग अलग बिल्कुल चर्च में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कभी कभी हाँ तो हाँ बिल्कुल 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 माइक्रोफोन भी नहीं लगाते, लेकिन ऐसी ऐसे ऐसे फीलिंग्स आती हैं वो लिखते बिल्कुल समय, जो जिस संगीतकार ने उसको लिखा है उस संगीत को, उस हाँ समय हाँ जो वो फील कर रहा है वही सामने बैठे सभी लोग फील कर रहे हैं। अगर वो रो रहा है तो सभी लोग रोएंगे, वो अगर वो यदि वो हंस रहा है तो सभी हंसेंगे, ऑटोमेटिक है हाँ वो। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वहां का भी क्लासिकल संगीत, लेकिन अभी आजकल जो पिछले कुछ दशकों से जो हम लोग देख रहे हैं, 1-2 दशक से तो बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं कि 21वीं सदी, 21वीं सदी जो कर करके जो जो शुरू हुआ है सब मामला, तो इस 21वीं सदी ने हम लोगों को संगीत का एक नया प्रकार दिखाया है, बड़ा ही विचित्र प्रकार है वो, लेकिन उसको प्रेजेंट, संगीत को प्रेजेंट जिस प्रकार से किया जा रहा है ना, वो गलत है। अगर पखावज में आज यदि सिर्फ मैं रुद्र रुद्र दिखाऊंगा तो लोगों को रुद्र ही लगेगा, हाँ अगर बिल्कुल पखावज में लास्य अंग भी दिखा सकता हूँ, प्रेम दिखा सकता हूँ, बिल्कुल शांति अगर दिखा सकता हूँ, तभी तो वो सामने पता चलेगा लोगों को कि भैया हाँ यार ये भी है इसमें। हाँ तो बिल्कुल उसी प्रकार
ये जो हम जो आज के दिन में मतलब जो अलग अलग प्रकार का संगीत सुन रहे हैं, जिसका अभी काव्य के बारे में आपसे अधिक तो कौन जानता है, तो अरे जो लिरिक्स या काव्य हम कहेंगे उसको काव्य जैसा होता ही नहीं। खैर तो हाँ 90% बोलूंगा मैं, नॉट 100%, 10% आज भी अच्छा बिल्कुल संगीत है, उपलब्ध है, मार्केट में आ रहा है, लेकिन बिल्कुल नाइन्टी बिल्कुल परसेंट संगीत जो है ना उसमें तो मतलब कान बंद कर लेने चाहिए बिल्कुल। मतलब ये हमारी संस्कृति को बहुत घातक है, और बिल्कुल इसी चीज को लेकर के इसी को फोकस में रख करके आज की युवा पीढ़ी को हम मैं चूंकि मैं पखावज बजाता हूँ, तो मैं पखावज के प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और उसको करने के लिए आपको बता दूं कि मैंने अभी तक आप कोई भी अभी जैसे मैंने अभी अपने जो अभी वीडियो चलाई थी वो एक मतलब किस स्टेज की मैंने बताया आपको, रैप बिल्कुल म्यूजिक वाला बिल्कुल स्टेज बिल्कुल था। हाँ 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 उसके अलावा मैंने फैशन शोज में भी पखावज बजाई है। हाँ उसके हाँ अलावा आप ले लीजिए मिसेस इंडिया चैंपियनशिप फिनाले में भी पखावज बजाई है। हाँ हाँ फिर आप ले लीजिए मतलब आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, मतलब मैंने पुलिस थाने तक में भी पखावज बजा ली है, कहीं पे भी वाह क्या मतलब बात। हाँ हर हर फील्ड में हर प्रकार के स्टेजेस पर पखावज हो चुकी है, बजा चुका हूँ, भले ही एक बार बजाई होगी लेकिन बजा चुका हूँ बहुत सारे, शायद पता नहीं अभी और क्या क्या स्टेज देखने हैं, सब सब तरफ बजा चुका हूँ। तो इस माध्यम से मैं मतलब ये प्रसारित करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ कि भैया पखावज में भी अलग अलग प्रकार के, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी अलग अलग प्रकार की लय लय लयकारियां हैं जो आपके पैर भी थिरका सकती है। सर तो डोलेंगे ही डोलेंगे परंतु आपके पैर भी बिल्कुल थिरक सकते हैं। एकदम मतलब जो बिल्कुल नाइट क्लब्स होते हैं, रॉक सिंड्रोम्स होते हैं, वहां पर भी पखावज बजा चुका हूँ और आगे भी बजाने की इच्छा रखता हूँ, और होते रहेंगे वो कार्यक्रम। तो बिल्कुल ऐसी बिल्कुल अलग अलग जगहों पर बजाने से मतलब अब हमारे शास्त्रीय संगीत में कोई कमी नहीं है, सर तो डोलेगा ही डोलेगा, बिल्कुल मन बिल्कुल डोलता ही है, लेकिन पैर भी हाँ थिरकाने की क्षमता हमारे संगीत में है, बिल्कुल बिल्कुल ये दिखाने की आवश्यकता है, और वो हो बिल्कुल सकता है, बराबर पॉसिबल है। बस पहला टारगेट ये होना चाहिए कि उनको यहाँ पे यहाँ तक एक बार लाओ तो सही, दिखाओ तो सही। और आप बिल्कुल आपको पता ही है कि हमारी बहुत बड़ी युवा पीढ़ी, अभी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी संख्या में शास्त्रीय गायक, सितार वादक, संतूर वादक, सरोद बिल्कुल वादक, पखावज, तबला, जैसे मतलब आप फेसबुक अगर छानना चालू करेंगे तो नंबर रुकेगा नहीं, इतने नहीं एक से रुकेगा बढ़कर एक अच्छे अच्छे कलाकार निकल रहे हैं। मतलब मैं अगर पखावज की बात करूं तो मैं मेरे ही लगभग 50 55 60 स्टूडेंट्स हैं जो आज सिखा रहे हैं, जो आज बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल इसका ये विद्या आगे प्रचार कर रहे हैं, और उनके भी बिल्कुल शिष्य हैं, और उनके भी शिष्य हैं। लगभग मेरा परिवार आज पखावज का 2.5 से 3 हजार तक पहुंच चुका है आपके आशीर्वाद वाह से। वाह वाह वाह। तो तबले का हुआ और भी जो वाद्य हैं, डमरू का हुआ, तो वैसे ही एक हमारे श्रोता का सवाल है कि ढोलक और पखावज के वाद्य में क्या अंतर है, तो आप इसको किस तरह से जी देखते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? बस जो जो एक स्त्री और पुरुष में है लगभग उतना ही अंतर है, क्योंकि पखावज दार्शनिक रूप से अगर देखें तो पखावज और ढोलक दिखने में सिर्फ एक ही समानता है कि दोनों भी एक बैरल ड्रम है, ठीक है, दोनों भी एक बैरल ड्रम है, इस वजह से ये दिखने में जो है ना आड़ी है, तो बस इस वजह से ये पखावज है और वो ढोलक है, सेम दिखती है। पखावज में और ढोलक में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि ढोलक में जो है ना ये राइट साइड में स्याही नहीं होती जो इस पखावज में है, पखावज में होती है, और जो सस्टेन है साउंड का वो पखावज में जो होता है वो ढोलक में नहीं होता है। ढोलक जो है वो आपको सुना देता हूँ मैं, यहाँ लगभग ऐसी ही बोलती है राइट साइड से, बाएं में पखावज के बाएं में हम लोग आटा लगाते हैं बेस साउंड के लिए, जो ढोलक में नहीं होता। ढोलक में पूरी के अंदर से जो पल्ली होती है उसके अंदर से मसाला लगाया जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा घुमा रहा जाए, ये ढोलक का जो राइट साइड होता है ना वो लगभग ऐसा बोलता जो हमारा बायां बिना आटे के बोलता है, वैसा ढोलक का राइट साइड बोलता है। और लेफ्ट साइड में हम लोग आटा लगाते हैं और ढोलक में अंदर से मसाला होता है, और ढोलक जो है वो ज्यादातर हमारे जो लोक कला में इस्तेमाल होने वाला वाद्य है, हमारे जो लोक संगीत है
उसमें इस्तेमाल होता है, और लिखावट जो है शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होता है। ये बहुत बिल्कुल बड़े बड़ा अंतर, एक मोटा मोटा अंतर जो एक सभी को समझ में आया ऐसा। और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल एक बात जो हम युवा पीढ़ी के बारे में कह रहे थे, उसको आकृष्ट करने के लिए, तो युवा पीढ़ी को आकृष्ट करने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है कि कोई भी वाद्य उस तरफ लोग कब ज्यादा रुझान दिखाते हैं, जब जो अगर कोई वाद्य बहुत आसान है, जैसे आप समझ लीजिए तबला, तबला और डग्गा आपने दो पीस लिए और सीधा बजाना चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पखावज में क्या है कि आप पहले तो पखावज लीजिए, फिर आटा लगाइए, है ना, मतलब आटा गूंथने से लेके शुरुआत होती है, फिर आटा लगाना है, जो ठीक से लगा तो ठीक, अन्यथा फिर बजता ही नहीं, आटा निकल आता है, बार बार भिगाते रहिए, तो थोड़ा सा कठिन वाद्य हाँ लगता है। और दूसरी हाँ बात क्या बिल्कुल हो जाती है कि उसको ट्यूनिंग का एक सवाल आ जाता है सामने, पखावज की ट्यूनिंग करना हाँ, तबले से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे स्पेस ज्यादा कम, मुश्किल तबले है। का छोटा होता है और पखावज का बिल्कुल स्पेस ज्यादा लंबा है, तो उसको बिल्कुल खींचना, उसकी बद्दी को गट्टे लगाना, ये बहुत सारे अलग 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 सवाल होते हैं। बिल्कुल, उसको तो संयोजित इस करना वजह बड़ा से, मुश्किल का काम। हाँ हाँ जी, तो उस वजह से पिताजी ने हमारे एक डिजाइन पखावज का नया तैयार किया, अच्छा और इस माध्यम से कुछ हद तक पखावज को और आसान कर दिया, एक वाद्य को आसान बनाने का काम किया है, और जिससे कि समझ लीजिए बद्दी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। बद्दी को आप बार बार खींचे लगाते हैं तो लगा लगा के कुछ समय बाद बद्दी खींचती जाती, आखिर स्किन है ना, तो वो खींचती जाती है और एक समय बाद टूट जाती है, या फिर अगर बराबर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वो काली हो जाती है, खराब हो जाती है, चूहे भी कुतर देते हैं, क्योंकि स्मेल आती है ना, बिल्कुल चमड़ा होता है वो, तो वो बहुत बराबर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके बाद एक बार अगर वो ज्यादा काली हो गई, खराब हो गई, तो स्मेल भी आती है, बुरी बुरी स्मेल आती है, तो फिर उसे फेंक दी जाती है, उससे पुड़ी भी जल्दी बिल्कुल खराब होती है, बार बार ठोका ठाकी कर करके। तो एक बराबर इतना बराबर पखावज को आसान कर दिया, पखावज इंस्ट्रूमेंट को आसान करने के लिए उन्होंने इतना बढ़िया डिजाइन किया है, मैं आपके सामने आज प्रेक्षकों तक हाँ पहुंचाना चाहूंगा इस बिल्कुल वाद्य बिल्कुल को, बिल्कुल 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 स्वागत दर्शकों को जरूर देखें। जी जी ये पहला YouTube लाइव कार्यक्रम है जिसमें मैं इस पखावज को दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पखावज हाँ अभी हाँ कुछ ही प्लीज दिन बताएं। पहले बन के तैयार हुई है, और आपके आपके वाह माध्यम से वाह, बताना चाहूंगा कि मैंने खुद बनाया है इसको, कुछ मेरे जो अरे सहकारी क्या बात विद्यार्थी है। हैं उन्होंने हाँ सहकार्य हाँ किया, मुझे मदद की करने में, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना, खींचना पकड़ना उसमें, तो ये हमारी खुद के हाथों से बनी हुई पखावज है, वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा उसको ऊपर करके बताएं कैसा क्या है वो पका। वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत आप सुंदर। देख सकते हैं इसमें कि ये जो इसमें जो रॉड्स लगे हुए हैं, हाँ इस हाँ हाँ रॉड्स हाँ की मदद से दायां हाँ और बायां दोनों को हमने हाँ अलग कर दिया है इसमें। इसमें गट्ठे लगे वाह, हुए हैं, वो भी फाइबर के लगे, ताकि वजन कम हो जाए, लकड़ी के होते हैं हाँ तो कुछ हाँ समय बाद वो टूट, धीरे धीरे वो जो है ना दीमक लगने का डर, और टूट हाँ जाते हैं बिल्कुल, जल्दी दीमक से, लगने का डर, और इसकी आवाज में भी इसलिए बड़ी जबरदस्त वो कसावट है, जी एकदम जी 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 अभी परफेक्शन है आपने सुन उसमें। ही इसकी लिया, जो, हाँ, उसकी जी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत जबरदस्त है, जी 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 तो अभी बहुत आपने बढ़िया, सुन ही बहुत लिया अच्छा। है उसको। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल दायां बिल्कुल बायां का जॉइंट अलग कर दिया है, यदि आपको बायां की पुड़ी चेंज करनी है तो सिर्फ बायां खुलेगा, दायां की पुड़ी चेंज करनी है तो केवल दाहिना खुलेगा, वाह, नहीं तो क्या बहुत होता खूब। था कि एक भी पुड़ी चेंज करनी है तो दोनों खोलनी पड़ती थी। अच्छा, हाँ इसको हाँ खिच्ची बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नायलॉन और पॉलिएस्टर की बनी हुई बद्दी है, तो वाह, हाँ अगर हाँ खराब हो जाती कुछ समय बाद तो इसको निकालिए, निकालना 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में वाह वाह निकालिए, वाह, बढ़िया से हाथों से धोइए, या इसमें धो दीजिए क्या आप, वॉशिंग मशीन में धोइए, कैसे भी धोइए, साबुन लगा के धोइए, कुछ भी, बढ़िया पूरा बात, मैल निकाल दीजिए उसमें से, बढ़िया सन ड्राई कीजिए वाह सूरज की किरणों में, और फिर लगा दीजिए फिर क्या पहले बात, जैसा, वाह बहुत बढ़िया। तो तो ये लाइफ टाइम कैसे मिल चलती रहेगी ऐसे। सकता है, मतलब जैसे हमारे ईमन से के श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं कि ये कैसे प्राप्त हो सकता जी है। जी फिलहाल तो ये इसको मैं खुद ही बना रहा हूँ, और अच्छा अपने हाथों से बनाने की मेरी इच्छा है, क्योंकि हाँ 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 इसका 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 एक एक अलग गणित है, जिसका जो टोनल क्वालिटी है, हाँ 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 तो उस टोनल क्वालिटी को लेके एक एक दो बहुत माइन्यूट चीजें हैं, लूप होल्स हैं इस पखावज में, तो उन हाँ लूप होल्स को केवल मैं ही जानता हूँ वाह, फिलहाल, तो मैं खुद ही बना रहा हूँ इसको। बहुत लोगों, मतलब और भी कई लोगों ने इसको बनाने का प्रयास किया, लेकिन ऑफकोर्स ये डिजाइन नहीं था, डिजाइन बहुत अलग था, और अलग अलग तरीके से बनाने का कोशिश किया है, लेकिन उससे टोन टोन बना नहीं है अभी तक किसी के हाथों से, वाह, तो तो एक बार फिर से परवाह नहीं कर। सुनाइए इसकी
इसकी जो आवाज है कैसा क्या है, अब जी जी और जी आनंद आएगा इसको सुनने में। जी 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 बिल्कुल हाँ, क्या बात है, वाह, हो गजब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पखावज को मैंने लगभग एक हफ्ते पहले ट्यून किया था और अभी भी उसी से हाँ वही दो वही प्रोग्राम वही, बजा के आ चुकी है। वाह क्या बात है, ओहो। क्या बात, वाह, ओहो क्या बात क्या बात क्या बात, क्या बात है क्या बात है भाई, वाह 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 जी तो मैं क्या करता था, वाह, वो जाके वो खिड़की पे लटक जाता था और वो सामने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते थे, बाहर से फॉरेन से स्टूडेंट्स आते थे, उनको पखावज के बोल वगैरह सिखाना, ताल वगैरह वो सब ट्रेनिंग देते थे। तो क्या होता था कि तीन चार लोग समझ लिए सामने बैठे हैं, तो पिताजी बता रहे हैं कोई बोल कि देखो धा प्रधान ये बोल बताया उन्होंने। अब बताया तो प्रॉब्लम ये हो गई कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे। पिताजी ने दो तीन बार बोला, मैं पीछे बैठे बैठे मेरे को याद हो गया। सामने वाला धा कर धिट धिट कर धा, नहीं फिर से करो धा कर धा। अब मुझे इतना गुस्सा आता था, पे पीछे खड़े खड़े ऐसा दिमाग खराब होता था, भाई जल्दी कर याद, अगला तो सुनने को मिले जल्दी। इतना सरदर्द हो जाता था, एकदम सरदर्द होता था मुझे कि जल्दी कर जल्दी सीखो तुम, तो ताकि तुम सीखोगे तो मेरे को अगला सुनने को मिले। क्या बात है क्या बात है, वाह। क्योंकि मुझे उनके रियाज रूम में जाने की अनुमति थी ही नहीं, तो घंटों तक फिर वही चलता था, मैं वहां लटके लटके ही पर बोल सुनते 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 सुनते। तो जिस दिन पखावज पे पहली थाप पिताजी ने अनुमति दी लगाने की, तब तक ऑलरेडी समझ लीजिए 1500 बोल तो मुझे याद हो ही चुके थे तब तक ऑलरेडी, वाह और बहुत 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 वो अभ्यास करवाते थे बाद में। तो ये क्या होता था कि उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ बेटा आओ बैठो जल बजा के सुनाओ जरा, ऐसा कभी नहीं बोला। तो उस वजह से क्या था, क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो गई, एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड की जाती है बिल्कुल ये उनसे जरूर सीखना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बिल्कुल क्यूरियोसिटी बिल्डअप की, और ऐसा बिल्डअप हुआ कि 6 साल की उम्र हाँ आते आते मैंने ऑलरेडी उनको मैंने बोल चुका था कि आप मुझे कब सिखाएं, मैं जाके खड़ा क्या हो गया बात उनके सामने, कब सिखाएं। हाँ तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद पीछे पड़ा था, तो जब भी वो जगाते, ये एक ही शर्त पे सिखाऊंगा, मैं जो कहूंगा वो करेगा। मैंने कहा जी करो, तो बस ठीक है। तो अब उन्होंने जगाया है तो जगना ही है, उन्होंने वाह वाह बोला कि वाह अभी बजाओ तो बिल्कुल बजाना है, उन्होंने बोला अभी बस करो तो बस करना है। तो उस वजह से फिर वो चलता रहा, तो फिर गाना सीखने के लिए गए थे। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ये हुआ कि मैंने बोला कि मैं मुझे सितार सीखनी, तो मैंने चलो फिर तुरंत एक हफ्ते के अंदर तो सितार खरीद के लेकर भी आ गए वो, मेरे ख्याल से कहाँ मीरज से या कहीं से लेके आए, और लाई और फिर मुझे क्लास लगवा दिया सिखाने के लिए। एक जगह मैं गया, फिर उन्होंने क्लास एडमिशन वगैरह दिलाया कि मैं अपने माता पिता को भगवान ही मानता हूँ, ये मैं आपके माध्यम से भी बिल्कुल और हर बिल्कुल माध्यम हर बिल्कुल हर जगह मैं यही कहता हूँ। ओपन बिल्कुल इंटरव्यूज में भी मैंने ये कहा हुआ है, कहा हूँ ऑलरेडी। बिल्कुल तो मेरे लिए भगवान है। एक बार क्या हुआ बिल्कुल कि मेरा बीकॉम सेकंड ईयर का पेपर का हॉल टिकट एग्जाम, फाइनल ईयर का सेकंड ईयर का फाइनल पेपर था, फोर्थ सेमेस्टर है बीकॉम का, और स्वीडन का एयर टिकट,
तो एक हॉल टिकट और एक एयर टिकट, दोनों दोनों सामने आया हुआ था। पिताजी ने दोनों हाथ में रखा, बोले उठाओ कौन सा टिकट, कोई एक टिकट उठा लो। तो उनके चेहरे को देखते हुए मैंने एयर टिकट को उठाया और फिर उनकी प्रसन्नता देखने लायक थी। तो बस एक ही चीज है कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की खुशी के लिए कर रहा हूँ, उनके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। उनको जब फोन आते हैं, उनको जब मेरी तारीफ सुनने को मिलती है, तब जो खुशी होती है उससे अधिक खुशी उनको अभी तक कहीं कहीं मैंने खुश होते हुए नहीं देखा। तो बस क्या उन्हीं बात, की ही खुशी के लिए मैं आज आपके समक्ष हूँ, उनकी ही खुशी के लिए मैं बिल्कुल आज बिल्कुल पखावज की सेवा कर रहा हूँ। भगवान को भी मैं बिल्कुल। यही बोलता हूँ कि भगवान हाँ मैं हाँ हाँ आपकी सेवा कर रहा हूँ तो सिर्फ उनकी खुशी के लिए। हाँ 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 क्या बात है, मैं तो पुजारी का वाह। सेवक हूँ, मेरे पिताजी पुजारी हैं आपके, और मैं आप मेरे मैं पुजारी का सेवक हूँ। मैं भगवान तो आपको इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे पिता आपकी पूजा करते हैं, वो वाह आपके वाह, हाँ पुजारी हैं, और हाँ मैं आपके दास का दास हाँ 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 बहुत बढ़िया। इस आशा और विश्वास के साथ के जीवन में कुछ करने वाले थककर चूर नहीं होते और मेहनत कश मानव के लिए खट्टे अंगूर नहीं होते। वाह सुखद, आप बढ़ते जाइए, ऊंचाइयों को स्पर्श करते जाइए। ईश्वर की, माता पिता की और हम सब की शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।